हेलो गाइस, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं चिवड़ा फ्राई, वो भी सिर्फ 2 चम्मच तेल में, बिल्कुल बाजार जैसी खट्टी मीठी चिवड़ा फ्राई। तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाते कैसे हैं। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कर दें। इसके लिए मैं यहाँ 250 ग्राम पतला वाला चिवड़ा ले ली हूँ। आप चाहें तो इससे हल्का मोटा चिवड़ा भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले एक छन्नी से इसे छान लेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इसके अंदर चिवड़ा का ही छोटा छोटा डस्ट जैसा पार्ट दिख रहा है, तो इसे छान के बाहर निकाल लेना है। ये देखिए, अब चलिए चिवड़ा को फ्राई कर लेते हैं। अब एक कढ़ाई को गर्म करेंगे और उसमें चिवड़ा को डाल देंगे। तो गाइस इसमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है चिवड़ा को फ्राई करते वक्त। अब इसे 7 से 8 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे और इसे बहुत ही हल्के हाथ से चलाएंगे, क्योंकि पतला वाला चिवड़ा है ये और ये टूट भी सकता है। हाई फ्लेम पे इसे फ्राई नहीं करना है, क्योंकि नीचे से तुरंत जलने भी लगती है। तो चिवड़ा को फ्राई होते हुए 7 से 8 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है। थोड़ी देर के लिए और इसे फ्राई कर लेंगे ताकि ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाए। तो चिवड़ा हमारा बहुत अच्छे से क्रंची हो चुका है, अब इसे दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे। अब एक दूसरा कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई के गर्म होते ही इसमें लगभग 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे और तेल के गर्म होते ही गैस का फ्लेम लो कर देना है। अब इसमें 1/2 कटोरी बादाम डाल देंगे और बादाम को 2 से 3 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए गाइस, बादाम अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसे ज़्यादा इसको लाल नहीं करेंगे, नहीं तो इसका टेस्ट कड़वा आ सकता है। अब इसे एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे और सेम तेल में लगभग 18 से 20 काजू को भी फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम लो और मीडियम के बीच में ही रखें। तो काजू भी फ्राई हो चुका है, इसे भी दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे। अब सेम तेल में लगभग 2 बड़ा चम्मच किशमिश फ्राई कर लेंगे। तो गाइस किशमिश बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाती है, ये देखिए लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इसे फ्राई करना है। तो ये भी फ्राई हो चुका है, इसे भी दूसरे प्लेट पे निकाल लेते हैं। सेम ऑयल में सूखा नारियल भी फ्राई कर लेंगे, इसे मैं लंबा लंबा और पतला काट ली हूँ। तो ये देखिए, तो सारे ड्राई फ्रूट्स लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करें। तो ये भी अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसे भी दूसरे प्लेट पे निकाल लेंगे। यहाँ मैं 8 से 9 हरी मिर्च ले ली हूँ, जिसे मैं 20 से चीरा लगा के हल्का बड़ा बड़ा काट ली हूँ, और 15 से 20 कढ़ी पत्ता। तो गाइस अगर आपके पास फ्रेश कढ़ी पत्ता हो तो आप उसका इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले हरी मिर्च को फ्राई कर लेंगे। तो गैस का फ्लेम लो रखें, नहीं तो हरी मिर्च के बहुत ज़्यादा छींटे आ सकते हैं। मिर्च अच्छे से भुन चुका है, अब इसमें कढ़ी पत्ता डाल देंगे और कढ़ी पत्ता डालने के बाद इसे भी कुछ सेकेंड के लिए भून लेंगे। तो गैस सारे प्रोसेस में गैस का फ्लेम लो ही रखें। अब इसमें 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और हल्दी पाउडर डालने के बाद इसे भी अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। इसे अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो चूड़ा में इसका टेस्ट खराब आ सकता है। तो हल्दी भी अच्छे से भून चुका है, अब इसमें फ्राई किया हुआ ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। इसे डालने के बाद कुछ देर के लिए और भून लेंगे। अब इसमें कुछ और मसाले मिला देते हैं। तो 1/2 छोटी चम्मच पीसी हुई चीनी डाल देंगे, 1/2 छोटी चम्मच सफ़ेद नमक, 1/2 छोटी चम्मच काला नमक और 1 छोटी चम्मच आमचूर का पाउडर डाल देंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। तो ये हो चुका है, अब इसमें फ्राई किया हुआ चिवड़ा मिला देंगे। अब इसे हल्के हाथ से चलाते हुए चिवड़ा को मसालों के साथ अच्छे से मिलाएंगे। तो गाइस इसे तब तक मिलाएंगे जब तक चिवड़ा के ऊपर मसालों की अच्छी कोटिंग ना आ जाए। गैस का फ्लेम लो ही रहना चाहिए। तो ये देखिए अच्छी कोटिंग आने लगी है चिवड़ा के ऊपर। तो ये हो चुका है, अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। आप इस खट्टे मीठे चिवड़ा फ्राई को महीनों तक स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं और ट्रेवलिंग के लिए यह नाश्ता तो एकदम बेस्ट है, क्योंकि ये खराब नहीं होती है। तो गैस कैसे लगी आपको ये मेरी रेसिपी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ही जाएं। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।